युवा विरोधी पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय, गलती सरकार हाय 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 हाय, साथ ना इंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वही वाह, इंकलाब वही ना बनना, इंकलाब वही, इंकलाब वही, इंकलाब विरोधी पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हाय 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 हाय, युवा विरोधी पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पृथ्वी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हम इस सरकार को चेतावनी के तौर पे कहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे उधमपुर के युवाओं को, यहाँ के लोकल्स को रोजगार नहीं दिया जा रहा, हम कह रहे हैं कि हम किसी भी बारी को यहाँ काम करने नहीं देंगे, क्योंकि सबसे पहला हक अगर किसी का बनता है तो वह उधमपुर के युवा का उधमपुर के अंदर बनता है। और खासकर जितने भी यहाँ पे रेलवे के काम चल रहे हैं, और रेलवे के अंदर हमने जिस तरीके से हमें मालूम चला है कि जिस तरीके से बाहर के लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है, हम रेलवे की अथॉरिटीज को चेतावनी के तौर पे कहते हैं कि अगर आप उधमपुर के युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो हम आपका कार्यालय भी यहाँ बंद करने का काम करेंगे। साथ साथ कल देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में आए हुए थे, हम उनके दौरे का वेलकम करते हैं, लेकिन साथ साथ कहते हैं कि युवाओं को बहुत सी उम्मीदें थी, खासकर जो रेबरेखेल एम्प्लाइज था, डेली विजर था, NYC था, वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग था, उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया, जिससे इस दौरे में हमें केवल और केवल मायूसी मिली। खासकर जम्मू कश्मीर का नौजवान ये चाहता था कि डोगरे की जो पगड़ी, जो शान उनसे छीन लिया गया है, जो डोगरा रियासत हमसे छीन ली गई है, उसको वापस देंगे प्रधानमंत्री, लेकिन निराशा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमें हमारी स्टेट वापस नहीं दी गई। हम फिर से एक बार उनसे अपील करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, हमारी रियासत का दर्जा हमें वापस मिलना चाहिए, जल्द से जल्द स्टेट खुद का दर्जा हमें वापस दिया जाए, और साथ साथ हम ये चाहते हैं, साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जितना युवा है, जम्मू कश्मीर के जितने लोग हैं, वो चाहते हैं कि वापस चुनी हुई सरकार उनको मिले, क्योंकि यहाँ पे जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि अफसरशाही जिस तरीके से काम कर रही है, अफसरशाही अफसर भूल चुके हैं कि जो आम जनता का काम किस तरीके से किया जा रहा है, दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को गुमराह करने का काम जो है यहाँ की अफसरशाही कर रही है, जिसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। थैंक यू।